उसके बाद तो ब्रेकअप हो ही जाता है। लिखा है तकदीर हम लोग का भगवान जुड़ा नहीं बनाए हैं, कोई ज़बरदस्ती करता है कि नहीं। हुआ है लड़का से थोड़ा बहुत प्यार वगैरह हुआ था, लड़का अपना शादी कर लिया और हमको धोखा दे दिया। मेरी लाइफ में भी कभी कभी हुआ है थोड़ा बहुत। अच्छा, आपकी लाइफ में हुआ है? देखिए वो देखिए नीचे क्या कर रही है, अब सामने से अगर ट्रक आ जाए तो सोचिए क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई कोई लड़का लोग आता है, कोई छीनने वाला, कोई एक परेशान करने वाला, बहुत सारे का तकलीफ हम लोग का झेलना पड़ता है। देखिए ट्रक जा रहा है, आप देखिएगा उस साइड, देखिए एक किनार है, इस साइड देख रहे हैं, ऐसे इसी तरह से वाहन जाता है, काफी रिस्क लेके लोग यहाँ पे। हम लोग किनर के क्या होता है, शादी ब्याह वगैरह करता है, हम लोग ऊपर वाले से बिगाड़े हुए हैं तो नीचे क्या कौन बना सकता है, कोई आधार नहीं है, इसीलिए तो हम लोग रोड पर भीख मांगते हैं। अगर देखा जाए डेली का एवरेज कितना कमा लेती है? एक बार ठेस लगता है तो बुद्धि बढ़ता है, ताकि हमको एक साथ हुआ तो हम भी संभल गए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अभी इस समय मैं हूँ बिहार में। दोस्तों बिहार का ये बॉर्डर है, आप देख सकते हैं वो सामने दिखाई दे रहा, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, उधर देख रहे हैं वो यूपी का बॉर्डर, इस साइड आएंगे तो बिहार का बॉर्डर है। ठीक है, इस समय बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर मैं जा रहा था काराकाट पवन सिंह का चुनाव करने के लिए। यहाँ पे देखिए कुछ किन्नर समाज की महिलाएं यहाँ पे दिखाई दे रही, तो हमें लगा उनसे बात करना चाहिए, इनका जो जीवन शैली है इसके बारे में हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या देखिए सामने आ रहे हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या उन लोग का लाइफ स्टाइल कैसा है। क्या नाम होगा? हमारा चंदा है। चंदा नाम है, हाँ। थोड़ा सा आप लोग लाइफ स्टाइल बताइए। हम अभी यहाँ जा रहे थे, देख रहे हैं आप लोग काफी गाड़ियाँ मोटर आ रही है, उसमें आप भाग रहे हैं, धक्का लग सकता है, मजबूरी में कर रहे हैं? मजबूरी में कर रहे हैं, हम लोग क्या करें, हम लोग का न्याय कैसे है। अच्छा, तब कोई काम रोजगार ऐसा कुछ आपके पास? नहीं नहीं, हम लोग किन्नर के क्या होता है, शादी ब्याह वगैरह करता है, हम लोग ऊपर वाले से बिगाड़े हुए हैं तो नीचे क्या कौन बना सकता है, हम लोग के ये सब चीज नहीं होता है तो करना ही पड़ेगा, हम लोग से क्या होगा। तब उधर भी है, उधर भी किन्नर लोग। अच्छा अच्छा, आइए हम, आप क्या नाम है आपका? रानी। रानी नाम है जी। आप लोग क्या रिस्क लेके यहाँ पे सबसे पैसा मांग रहे हैं? क्या करें, जब हमको कोई नहीं देता है, कोई आधार कोई नहीं देता है तो क्या करें, हम लोग रोड पे भीख मांगे जीते हैं जी। क्या करें, कोई चारा है कोई, और हम लोग कोई कोई आधार नहीं है, इसीलिए तो हम लोग रोड पर भीख मांगते हैं, टूल पर भीख मांग के खाते हैं। मांगते हैं तो क्या, जितने भी यहाँ पर ट्रक या वाहन जाता है आपको पैसा मिलता है? अरे ना, ये सब ना देते हैं, उसी में कहीं दस में कहीं दो दो चार देते हैं, बाकी तो ऐसे भी अपना मन के मर्जी है ना, जबरदस्ती तो हम लोग मांगते नहीं है। जैसे उसके दिल में आता है तो उसके दिल में भगवान राम देता है तो 2-4 रुपये दे के चले जाता है, और वही में और लोग हैं कि नहीं देते हैं चले जाते हैं, तो हम लोग कुछ बोलते ना है। थोड़ा सा रुकिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए इस तरह से, देखिए ट्रक जा रहा है, आप देखिएगा उस साइड, देखिए एक किनर है, एक इस साइड देख रहे हैं, ऐसे इसी तरह से वाहन जाता है, काफ़ी रिस्क ले के लोग यहाँ पर पैसे मांगते हैं। और हम थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करें, क्या इनके इसके अलावा कोई काम या जॉब कुछ ऐसा नौकरी वो लोग करना चाहते हैं? आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम चांदनी है। चांदनी नाम जी। ये बताइए इस तरह से आप लोग यहाँ पैसा मांग रहे हैं, कोई क्या प्रॉब्लम फेस करती है, अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। ये प्रॉब्लम होती है कि कोई कोई लड़का लोग आता है, कोई छीनने वाला, कोई एक परेशान करने वाला, बहुत सारे का तकलीफ हम लोग का झेलना पड़ता है। अच्छा। दिन में आते हैं इतना करना पड़ा, रात में कितना पढ़ना पड़ रहा है बताइए। और कुछ नहीं, हम लोग का यही है। मतलब लड़के लोग क्या परेशान मतलब करते हैं? यही सब, कोई पर्स छीनने के लिए, कोई ये करने के लिए, कोई जी कोई छीनने के लिए भी कोई आते हैं, और कोई नहीं होता है, कोई परेशान करने के भी आते हैं। अच्छा। और परेशान करते हैं तो फिर आप लोग किससे मतलब मदद मांगते हैं, कुछ करती हैं? किससे हम लोग आगे तो उधर लोग पुलिस लोग बैठे हैं ना, उधर हम लोग चले जाते हैं थोड़ा। अच्छा। बहुत ना तो लोग भाग जाते हैं आपस में। अच्छा, पुलिस वाले पास जब जाते हैं तो वो लोग मदद करते हैं? जी वो लोग करते हैं, उन लोग को देख के खुद ही लोग चले जाते हैं ना, इसीलिए। और कुछ नहीं है मतलब, ये भी आप प्रॉब्लम फेस करती हैं? जी हम लोग करते हैं जी। पर्स भी कोई आता है तो कोई पैसा मांगो, लोग हमको तेल भराने के लिए दो, कोई बाइक लेके लगा देगा हमको 10-5 रुपए, 10 रुपए 100-50 रुपए दो, दूसरे से मांग रहे तो जी। तो ये बोलता है हमसे पूछ के आप गाड़ी खरीदे, बताओ आप पूछ के गाड़ी खरीदे, मांगते 100 रुपए 50 रुपए हमको पैसा दो ताकि हम लोग तेल भराएंगे जी। तो हम लोग नहीं देते हैं, कभी कभी नहीं देते, पर्स छीनता है, करते हैं, हम लोग आगे चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे हैं जी। आप किसी जानते पहचानते मतलब यहाँ बिहार के हैं या यूपी के हैं? नहीं, हम बिहार का ही हैं। अच्छा, बिहार के जी, बिहार का ही हैं। तो ये आपका जैसे आप मांगते हैं, इसके अलावा कुछ काम नौकरी धंधा कुछ आप इसके बारे में सोचे हैं या कभी मिला है ऐसा कुछ? ऐसा तो कभी कुछ मिला ही नहीं है हमको, कुछ हम लोग का नहीं मिला है। नहीं, अगर देखा जाए डेली का एवरेज कितना कमा लेती है? ये 200-400 कभी हो जाता है, कमा लेते हैं। सब गाड़ी वाला नहीं ना देता है, कोई देता है कोई नहीं देता है, कोई कोई तो गाड़ी लेकर लगता है चाहा देगा लेके, तो हम लोग अलग से ही मांगते हैं जी। मतलब ये भी खतरा रहता है? जी खतरा ही रहता है जी। मैं देख रहा हूँ, आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इस तरह से देखिए, आप दिखाइएगा, देखिए वहाँ पे एक महिला है जो कि पैसा मांग रहे हैं, साथ में बच्चा भी लिए हुए हैं,
कहीं ना कहीं देखा रिस्क है, गाड़ियां मोटर आ रहे हैं, एक नहीं देखिए आगे पीछे जा रही हैं, देखिए उनका ध्यान देखिए भटक गया है इस तरह से, देखिए वो देखिए नीचे क्या कर रहे हैं, अब सामने से अगर ट्रक आ जाए तो सोचिए क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर एक नहीं कई देख रहा हूँ किन्नर है, देखिए एक वहाँ पर है, एक तो फिलहाल महिला है उधर देखिए वहाँ पर खड़ी हुई है। तो इस तरह से इनका लाइफ स्टाइल है, थोड़ा सा हम लाइफ स्टाइल के बारे में थोड़ा जानते हैं आपका। रूटीन हम लोग का अच्छा नहीं रहता है जी, बहुत खराब है जी। जहाँ रहती है वहाँ पर, वहाँ पे ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा है, गुरु के पास में रहते हैं ना तो उतना तकलीफ नहीं होती है, थोड़ा बहुत होती है तो उतना मैनेज हो जाता हम लोग का। अच्छा। जी आप वहाँ रहती हैं, गुरु के पास रहती हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा शादी वगैरह या प्यार मोहब्बत के बारे में, ऐसा कुछ किन्नरों को होता नहीं होता है? जी होता है, काहे नहीं जी। अच्छा जी, हर इंसान के पास दिल है तो ऐसे थोड़ा बहुत सबके पास होता है जी। मेरे लाइफ में भी कभी कभी हुआ है थोड़ा बहुत। अच्छा, आपके लाइफ में हुआ है? क्या हुआ थोड़ा सा बताइए लोगों को। हुआ है, लड़का से थोड़ा बहुत प्यार वगैरह हुआ था, लड़का अपना शादी कर लिया और हमको धोखा दे दिया, और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपको धोखा दिया? बहुत दिनों साथ तक मेरा रहा, बात विचार सब कुछ हुआ और कुछ नहीं। अच्छा, प्यार मोहब्बत ठीक है, होता है, लेकिन क्या लाइफ टाइम चलता है? नहीं, लाइफ टाइम तो नहीं चलता है जी। हमने भी सुना है कि किन्नरों के साथ कुछ दिन या कुछ महीने जी, 2 साल 4 साल 5 साल ज़्यादा 8 साल 10 साल उसके बाद तो ब्रेकअप हो ही जाता है। लिखा है तकदीर हम लोग का भगवान जुड़ा नहीं बनाए हैं, कोई ज़बरदस्ती करता है कि नहीं और कुछ नहीं है। आपको जब पता है कि हम लोग का साथ ऐसा हो सकता है तो फिर आप लोग क्यों सकते हैं? जी, हर इंसान के पास है, नहीं होता है, दिमाग नहीं रहता है, एक बार ठेस लगता है तो बुद्धि बढ़ता है। अच्छा। ताकि हमको एक साथ हुआ तो हम भी संभल गए तो यही होता है और कुछ नहीं है। अच्छा। जी कहा है नहीं, क्या कहिएगा, मतलब बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत ऑडियंस देख रहे हैं, तो उनको क्या बोलेगा, मतलब आपको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा उसके बारे में बताइए जरा लोगों को। हम यही कहेंगे कि हम लोग का भी जीने का अधिकार, हम लोग का भी जीने दे, खाने दे, मांगने दे, ताकि हम लोग का कोई टॉर्चर, कोई बोल विचार कोई ना करे जी। और बस यही हम आप लोग से अपील करेंगे, हम लोग का भी मांगने खाने दीजिए और कुछ नहीं।